गुड मॉर्निंग टू अवर क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ख़त्म कर दिया था सॉलिड का, किसमें? अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। वहाँ हमने सॉलिड्स को क्लासिफाई किया था, किस बेसिस पे किया था भाई? वहाँ हमने किया था ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे सॉलिड का, किस बेसिस पे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे, कि भाई अंदर सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके सॉलिड बना है वो कौन से हैं। उस बेसिस पे अलग अलग पार्टिकल्स होंगे तो अलग अलग पार्ट्स में जाएंगे। जैसे सपोज करो कि एक वॉल है, अब वॉल किस पार्टिकल से बनी है? फॉर एग्जांपल ब्रिक से बनी है, या फिर सीमेंट वाली ब्रिक से बनी है, या फिर स्टोन से बनी है। तो किससे मिलके वो वॉल बनी है? तो वो तीन अलग अलग हिस्से हो गए, ब्रिक से बनने वाली, सीमेंट ब्रिक से बनने वाली और स्टोन से बनने वाली। सेम चीज कि अगर जो अपना सॉलिड है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना है तो उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर जो सॉलिड है वो आयन से मिलके बना है तो उसे हम बोलेंगे आयनिक सॉलिड। अगर जो सॉलिड है वो मेटल एटम से मिलके बना है तो उसे हम बोलेंगे मेटलिक सॉलिड। देखो अंदर क्या है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो रहा है। मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयन से तो आयनिक सॉलिड, मेटल है तो मेटलिक सॉलिड। इसके अलावा अगर एटम है, केवल एटम, मॉलिक्यूल भी नहीं, सब एक दूसरे से बस बॉन्ड बना रहे हैं, एंड तक बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो होता है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड, समझ में आई बात? इन चार तरह के सॉलिड्स में हमने क्लासिफाई किया है। अगर सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलके बना है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयन से मिलके बना है तो आयनिक सॉलिड, मेटल से मिलके बना है तो मेटलिक, और एटम्स जो कि एक दूसरे से कंटिन्यूसली बॉन्ड बना रहे हैं। छोटा सा डिफरेंस है मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट सॉलिड में, उसके बेसिस पे दोनों अलग अलग हो गए। वरना बहुत बार ये कन्फ्यूजन रह जाता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड किसको क्या समझे, और इसी पे बहुत बार क्वेश्चन भी आया है बोर्ड में, तो देखेंगे अपन। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि अगर सॉलिड मॉलिक्यूल से बना है तो मॉलिक्यूलर, आयन से बना है तो आयनिक, मेटल से बना है मेटलिक, एटम से बना है, मॉलिक्यूल नहीं एटम से बना है तो कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, चलो अब हम इनके बीच में डिफरेंस या फिर हम बोलें कि अलग अलग प्रॉपर्टीज इनकी देखें, एक टेबल बनाएंगे। ये चीज नोट मत करना, सीधे हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल में फर्स्ट कॉलम रहेगा हमारा टाइप ऑफ सॉलिड। ठीक है, सेकंड कॉलम रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, किस पार्टिकल से वो मिलकर बना है। थर्ड कॉलम रहेगा बॉन्डिंग, कि भाई कौन सी बॉन्डिंग है उन पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, बॉन्डिंग, या फिर इसे हम बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स, कि भाई ऐसा कौन सा फोर्स है जिससे पार्टिकल एक साथ अट्रैक्टेड हैं, जब भी तो सॉलिड की फॉर्म में होंगे। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की। मेल्टिंग पॉइंट और एग्जाम्पल। ठीक है, एक एक सॉलिड हम कंसिडर करेंगे और उनकी ये सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है भाई? जो कि मॉलिक्यूल से मिलके बना है, जैसे N2, O2, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। जनरली ये गैसेस होती हैं, लेकिन जब मैंने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कर दिया, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, टेम्परेचर कम करता जा रहा हूँ और प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके लिक्विड और फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल से मिलके जो सॉलिड बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं
मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन तरीके के होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल जनरली तीन तरीके के होते हैं। पहले मॉलिक्यूल होते हैं नॉन पोलर, इसलिए नॉन पोलर सॉलिड। दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं पोलर। तीसरे तरीके के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब सबसे पहले ये तुमने 11th क्लास में पढ़ लिया है कि ये कौन कौन से होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी एक बेसिक मैं तुम्हें बता देता हूँ, ताकि अगर किसी ने 11th में पाप किए हैं तो वो यहाँ पे धुल जाए, ठीक है ना। देखो मॉलिक्यूल कोई भी हो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, N2 यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे मॉलिक्यूल। और एग्जांपल H2 H बॉन्ड H, और एग्जांपल O2 O डबल बॉन्ड O, ऐसे मॉलिक्यूल कहलाते हैं नॉन पोलर। सर ऐसा क्यों, अभी देखते हैं। जब मैं पोलर की बात करूँगा ना, तो वहीं से नॉन पोलर भी समझ में आएगा। जब किसी मॉलिक्यूल में एक एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से अटैच है, जैसे HCl, यहाँ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कि क्लोरीन की, क्लोरीन की ज़्यादा है, तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि इसी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्लोरीन इस बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तो अगर इसके पास थोड़े ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हल्का सा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, कौन ले गए दूर, क्लोरीन ले गए, तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आए तो उस पर आ जाएगा हल्का सा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो अब देखो इसमें दो पोल बन गए, दो कॉर्नर्स बन गए, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डाईपोल। क्या बोलते हैं, डाईपोल। दो पोल बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे डाईपोल के बारे में, ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस ये याद रखो ना कि भाई दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल को डाईपोल। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पोल्स बन जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। पोल्स कब बनेंगे, जब एक एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से अटैच्ड हो, एक एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से अटैच्ड हो तब बन जाते हैं पोल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। अगर एटम अपने से सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से अटैच्ड है तो कोई पोल नहीं बनेगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होते हैं, देखो हाइड्रोजन यानी कि इन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है तो ऐसे केस में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल बनता है। इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलते हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं इसे नहीं बोलेंगे, लेकिन इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, देखेंगे जब अपन इस पर आएंगे तब देखेंगे। अभी के लिए मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि पोलर मॉलिक्यूल क्या है, जब एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्ट हो जाए इनको छोड़ के तो फिर पोलर मॉलिक्यूल, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फोन, ठीक है ना, फोन से कनेक्ट हो जाए तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल बनता है। चलो एक एक करके देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। आई होप ये समझ में आया होगा, कुछ भी समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँ। अब बात करते हैं, सिंस तीनों क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा अब नॉन पोलर सॉलिड की बात करें तो इनमें कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है, देखो बहुत ध्यान से समझना ये चीज, नॉन पोलर सॉलिड में कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स है,
सोचो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जैसे N2, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन क्या इससे सॉलिड बन गया? नहीं सर, ऐसे बहुत सारे N2 जब साथ में आए होंगे तब सॉलिड बना होगा, ये सब एकदम पास पास आए होंगे जब जाके सॉलिड बना होगा। तो सर इनके बीच में क्या अट्रैक्शन रहा होगा? देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में, एटम्स के बीच में नहीं, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में क्या अट्रैक्शन रहा होगा कि ये पास पास आ गए? अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि कोई अट्रैक्शन नहीं रहता है, हमें लाना पड़ता है पास पास। मैंने तुम्हें बताया कि टेम्परेचर कम करते जाएंगे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो हमें लाना पड़ता है। इनके बीच में बॉन्डिंग इतनी बढ़िया नहीं होती है इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो वीक बॉन्डिंग होती है उसे हम बोलते हैं लंदन या डिस्पर्जन फोर्स। क्या बोलते हैं? लंदन या डिस्पर्जन फोर्स। कंडक्टिविटी, देखो जब भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात हो तो दो केस में कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब चार्ज को फ्लो कराना, अगर चार्ज ही नहीं हुआ तो फिर कहाँ से फ्लो कराएंगे? और पहली बात, चार्ज कैसा हो? फ्री हो। अगर चार्ज एटम से जुड़ा हुआ है तो फिर वो फ्लो कैसे करेगा? वो करेगा ही नहीं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के, या तो उस बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो कि भाई इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर जा चुका है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या फिर फ्री आयन्स हो। दो ही तो चार्ज कैरियर होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन या आयन। अगर आयन्स हैं और फ्री है तो कंडक्ट करा लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री है तो करा लेंगे, इलेक्ट्रॉन से फ्री नहीं है तो फिर नहीं कराएंगे, आयन्स नहीं है तो नहीं कराएंगे। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो नॉन पोलर सॉलिड में जैसे एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ तो कौन है? एन टू, ओ टू, ATC, ठीक है ना? तो एन टू ओ टू में फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ है? N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे दो दो, तो ये तो एटम से कनेक्टेड है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं जो एटम को छोड़ के आ गया हो, सारे एटम्स सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम से कनेक्टेड हैं तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। आयन्स है क्या? आयन्स भी नहीं है, तो फिर नॉन पोलर सॉलिड क्या होते हैं? इंसुलेटर बॉन्ड। क्या होते हैं? इंसुलेटर। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट, मैंने तुम्हें बताया इनके बीच में फोर्स बहुत वीक रहता है, ये तो पहले गैस बनना चाहते हैं, हम ला रहे हैं इन्हें पास में, तो सर इनका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत लो रहता होगा, बहुत लो। हम टेम्परेचर कम कर करके लिक्विड बना रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर, तो गैस है तो सोचो मेल्ट किस टेम्परेचर पर होते होंगे। पहले इन्हें सॉलिड बनाओ फिर सॉलिड से मेल्ट करो, बहुत कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पोलर सॉलिड। अच्छा, इतना नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करें, नोट कर लें इतना, फिर हम पोलर सॉलिड पे आते हैं। अब पोलर सॉलिड में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स ही हैं, लेकिन पोलर सॉलिड में जो अट्रैक्शन फोर्स है, देखो ये इंटरेस्टिंग कहानी, ये पढ़ा है तुमने लास्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग। पोलर सॉलिड में क्या होता है कि सपोज करो जैसे HCl का एग्जांपल लिया, तो इस पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पे भी सपोज करो एक और HCl है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे भी सपोज करो एक और HCl है, पार्शियल पॉजिटिव, इसके पार्शियल नेगेटिव। अब तुम समझो इस चीज को कि भाई मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन देखना, ये हमारा पीरियड में भी आएगी, हमेशा ध्यान रखना। जब भी हम इंटरेक्शन की बात करेंगे या अट्रैक्शन फोर्स की बात करेंगे तो हम मॉलिक्यूल्स के बीच में देखना चाह रहे हैं। देखो एटम्स के बीच में तो एक ही तो बॉन्ड है, उस बॉन्ड से वो सॉलिड नहीं बन रहा है, HCl हो गया, ऐसे बहुत सारे HCl को पास में लाए तो जाके वो सॉलिड बना। तो HCl और HCl के बीच का इंटरेक्शन देखना है। तो सर ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट क्यों करेगा? देखो इसके पास क्लोरीन के पास है नेगेटिव, इसके पास है पॉजिटिव, तो वो इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन के पास है पॉजिटिव, इस क्लोरीन के पास है नेगेटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, इनसे काफ़ी ज़्यादा। लंदन डिस्पर्जन फोर्स का एक और नाम है, नाम ही इनका है
वीक फोर्स, वीक है लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन है, और ऐसा वैसा अट्रैक्शन नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ फिजिक्स, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन सिंस चार्ज बहुत कम है तो इनकी वैल्यू ठीक ठाक रहती है, ठीक है। तो इनके बीच में जो ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये एक डाइपोल और दूसरे डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन है, इसलिए इसे बोलते हैं डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स हुआ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बाद कंडक्टिविटी, क्या पोलर मोलिक्यूल में फ्री इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, एच सी एल यहाँ पे सारे के साथ बॉन्डेड हैं, ये यहाँ है, मतलब सारे जो है वो लोन पेयर हैं या फिर बॉन्डेड हैं, कोई भी फ्री नहीं है। क्या इसमें आयन्स हैं, आयन्स भी नहीं है, फ्री आयन्स नहीं है, तो फिर ये भी क्या होगा, इंसुलेटर होगा। देखो सारी चीज़ें केमिस्ट्री में याद करने की नहीं देती, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे अपने आप आंसर मिलते जाएंगे, वरना कुछ चीज़ें हैं जो हमें लर्न करनी होगी, जब टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन सारी चीज़ें लर्न करने जाओगे तो आज तो वो हो जाएगी लेकिन कल भूल जाओगे। लॉजिक अगर तुम्हें याद रहेगा तो हमें लंबे समय तक चीज़ें माइंड में रहेंगी, ठीक है ना। तो मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ, कंडक्टिविटी देखने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन्स, अगर नहीं है तो इंसुलेटर है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इनका भी कोई इतना ज़्यादा नहीं होता है, लो ही रहता है, सारे मोलिकुलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट लो ही रहता है। एग्जाम्पल एच सी एल, एसओ टू, एसओ टू के मोलिक्यूल में भी पोलर सॉलिड यानी टेम्परेचर रहता है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, मोलिक्यूल। अब समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। मैंने तुम्हें यह बताया था कि जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ले, या ऑक्सीजन के साथ बना ले, या नाइट्रोजन के साथ बना ले, तब हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस बात को समझो कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है वो आप देखते हैं, देखो एच एफ ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ऐसे दूसरा एच एफ भी होगा, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे तीसरा एच एफ भी हो गया, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये देखो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन दुनिया के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन दुनिया के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो भाई फ्लोरीन के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इसको भी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, बिल्कुल वही कहानी है जो डाइपोल में थी, लेकिन इस बार इनके पास बहुत ज़्यादा चार्ज आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज़्यादा, तो ये और ज़्यादा फोर्स से हाइड्रोजन फ्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अट्रैक्ट क्यों करेगा भाई, क्योंकि इसके पास है पार्शियल पॉजिटिव और फ्लोरीन के पास है पार्शियल नेगेटिव, फ्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, जिससे ये हाइड्रोजन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन। वापस से पूरी कहानी सुन, हाइड्रोजन जब भी फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बन गया, लेकिन उस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किसे बोलते हैं, कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तब ये वाला जो अट्रैक्शन है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भाई ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से किस वजह से जुड़े हुए हैं, किस पास पास है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो इसमें बॉन्डिंग या अट्रैक्शन फोर्स में क्या लिखेंगे अपन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा इसमें भी क्या फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन्स है, नहीं है, तो ये भी इंसुलेटर है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में हम देख रहे थे कि ये क्या होते हैं, इंसुलेटर। अच्छा इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो ही होता है,
हाइड्रोजन मोल्डिंग होती स्ट्रॉन्ग है लेकिन इनके मुकाबले स्ट्रॉन्ग होती है, फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जितनी बाकी सारे सॉलिड में होती है। हाइड्रोजन मोल्डिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? वाटर। वाटर क्या होता है भाई अपने रूम टेम्परेचर पे? क्या है? लिक्विड। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? जीरो। आइस से जब वो वाटर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे ये जो H2O है ना, इसका मतलब है आइस। बहुत से बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर वाटर तो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हम अब वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम आइस की बात कर रहे हैं, आइस इंसुलेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, वाटर के बाद NH3 अमोनिया ये सब हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के एग्जांपल है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसे नोट कर लो, ठीक है। एक बार अच्छे से समझना इस चीज़ को नोट करते टाइम भी, चाहो तो वीडियो दोबारा भी देख सकते हो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक बार में ही समझ में आए। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।